हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। आज हम चैप्टर 19 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पिवट टेबल कवर करेंगे। पिवट टेबल्स में हम देखेंगे हम पिवट टेबल बनाते कैसे हैं, इसमें सिंगल मल्टीपल फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, फील्ड्स को कैसे सेट कर सकते हैं, पिवट टेबल की फील्ड्स में जो आती हैं उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, और कैसे डिफरेंट शीट पे और सेम शीट पे हम लोग पिवट टेबल लगा सकते हैं, और कैसे पिवट टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वर्किंग पे। तो ये हमारी छोटी सी वर्किंग है, इसमें नाम है और टेस्ट के रन्स हैं, ODI के रन्स हैं और T20 के रन्स हैं बैट्समैन के। तो इसमें आपको पिवट टेबल लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हेडर आ रहा है आपका, ये जो ब्लू में आ रहा है ये हेडर बोलते हैं इसे, ये हेडर जो है ये आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए, अगर ये ब्लैंक रहेगा तो आपका पिवट टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल लगाने से पहले अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, फिर पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और फिर पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते हो इंसर्ट पे जाके, तो इसके लिए पिवट टेबल के लिए हमारा शॉर्टकट होता है Alt+N+V+T। तो हम ये शॉर्टकट की यूज़ करके पिवट टेबल लगाएंगे। पहले अपना डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे पिवट लगाना है। तो ये हमने डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया, अब Alt+N+V+T प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है आप नई वर्कशीट पे लगाना चाहते हो या जिस पे आपका ये डेटा है उसी वर्कशीट पे, तो हम नई शीट पे लगाएंगे क्योंकि तो वहाँ थोड़ा काम करना ईजी होता है। तो ओके करेंगे और ये हम नई शीट पर आ गए जिस पर हम पिवट टेबल लगाएंगे। हमारी ये पहली सिलेक्शन लिस्ट आ गई, और इधर आप देखोगे यहाँ पे फील्ड्स दी हुई हैं जो आपको सेलेक्ट करके अपना ये पिवट टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड लिस्ट, जो ये आया है आपका। और यहाँ से हम लोग अपना ये ड्रैग कर करके ये इन इसमें रिपोर्ट फिल्टर रो लेबल्स वैल्यूज और कॉलम्स में करके ड्रैग, फिर हम अपना पिवट टेबल बनाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रो वाइज पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं रो लेवल पर लाऊँगा फुल नेम को, ये देखिए नाम आ गए सभी बैट्समैन के। अब आप चाहते हो कि टेस्ट रन्स देख लो मैं इनके कितने थे, टेस्ट रन्स ले आएंगे यहाँ पे वैल्यूज में, ये टेस्ट रन्स आ गए इनके। फिर ODI रन्स देख लेते हैं, ये देखिए ODI रन्स आ गए। अब चाहते हो नहीं T20 भी देखना चाहता हूँ मैं, तो ओके ये T20 भी देखिए आप, ये T20 भी आ गया। और यहाँ पे हमारा एक ये फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहते हो कि अगर मैं सिंगल सिंगल प्लेयर्स की लिस्ट देख लूँ तो ये आप क्लिक कर इसको ड्रैग करके इसमें ले जाओगे फ़िल्टर वाले ऑप्शन में फुल नेम को, और यहाँ पे आपका फुल फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्रायन लारा का स्कोर देखना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे ब्रायन लारा आ गया, इसके आगे टेस्ट के रन, ODI के रन और T20 के। ऐसे ही आप और सभी खिलाड़ियों के भी रन देख सकते हो यहाँ से ओके करके। फुल नेम को हम हमेशा रो में लाने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा देखने में इजी रहता है। वैसे आप ये फुल नेम को इधर भी ले जा सकते हो, ये कॉलम वाइज दिखाने लगेगा लेकिन ये बहुत ही बड़ा डेटा बन जाएगा, तो ये थोड़ा फिजिबल नहीं रहता काम करना इस पर। तो हमेशा प्रेफर करते हैं रो पे वाले स्टाइल में देखा जाए इसको। तो अब यहाँ पर और एक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप चाहते हो कि दो तीन खिलाड़ियों के स्कोर देखे जाएँ, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग दो तीन खिलाड़ियों का स्कोर भी देख सकते हैं। ओके करोगे आप, यहाँ भी एक फ़िल्टर का ऑप्शन रहता है आपके पास। मैं सेलेक्ट ऑल कर लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। दूसरा ये जो आ रहा है आपका, इसको अगर यहाँ पे आ गया तो फिर दोबारा आप इधर भी ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर ड्रैग कर दोगे यहाँ से खींच के वैल्यूज, या फिर लाना है तो वापस ले आओ। इसको आप अरेंज भी कर सकते हो जैसे आप चाहते हो कि टेस्ट के रन पहले आए T20 के बाद में आए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फील्ड ऊपर नीचे आप ऐसे कर सकते हो, इसको ये भी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो फील्ड लिस्ट होती है, इसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे क्रॉस का बटन दबाओगे तो ये हाइड हो जाएगा। और अब आपको इधर से करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हो आप। यहाँ पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, हाइड फील्ड लिस्ट करोगे और ये हाइड हो जाएगी फील्ड लिस्ट यहाँ से। और दोबारा वापस लाना चाहते हो तो फील्ड लिस्ट पर करोगे क्लिक और ये आपका वापस आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये मैं एडम गिलक्रिस्ट को एक सेपरेट शीट में ही देखूं जाके बिल्कुल, या बाबर आजम को, किसी को भी, तो किसी को भी अगर देखना है आपको तो इनके किसी भी एक इधर वाली फील्ड पर क्लिक कर दोगे आप, जो वैल्यूज वाली फील्ड होती है ये, जहाँ पर इनके रन्स दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सेपरेट शीट में ले आएगा आपको,
यहाँ पे आप ऐसे इसको बाइफरकेट कर सकते हो सीट को, सिंपली क्लिक कर करके ये जितने भी प्लेयर से जितनी बार भी क्लिक करोगे एक नई सीट क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको ये सेम सीट पे पिवट टेबल लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे अपने इसको डेटा रेंज को, ऑल्ट एन वी टी दबाओगे और यहाँ पे क्या करोगे एग्जिस्टिंग सीट सेलेक्ट करके अपना ये फील्ड सेलेक्ट कर लोगे। एग्जिस्टिंग सीट कर क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे, ये देखो यहाँ पिवट लग जाएगा और आप ये सेम सीट पे अगेन अपना पिवट टेबल लगा सकते हो ये अपनी फील्ड्स ट्रैक करके। तरीका सेम है, बस ये हो जाता है कि थोड़ा अलग सीट पे जाने पे काम करने में आसानी रहती है। और अगेन अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। थैंक यू।